मैंने दो तीन वीडियोस पीछे बनाई थी इलीगल सोसाइटीज के बारे में, और बताया था कौन कौन सी इलीगल सोसाइटीज हैं। उनमें से एक मैंने प्रोमिनेंट की थी, कल आरडीए ने बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया है, लोगों की जेबों से खेला जा रहा है, चुप नहीं रह सकता है, इसके खिलाफ जरूर बोलूंगा। वो चाहे चौधरी मजीद हो, चाहे मलक रियाज हो, चाहे कोई भी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना बकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। मैंने दो तीन वीडियोस पीछे बनाई थी इलीगल सोसाइटीज के बारे में, और बताया था कौन कौन सी इलीगल सोसाइटीज हैं। उनमें से एक मैंने प्रोमिनेंट की थी, फैसल टाउन 2। डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। कल 6 मई 2024 को आरडीए ने एक ग्रैंड ऑपरेशन किया है दो सोसाइटीज के खिलाफ। उनमें से एक बड़ी मशहूर मारूफ सोसाइटी है, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये इलीगल सोसाइटी है, फैसल टाउन 2। इसकी उन्होंने कुछ कमरे बनाए हुए थे कुछ कंटेनर से, वहां पे कुछ बिल्डिंग बनाई थी इन्होंने। और दूसरी पाकिस्तान एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी थी, उसकी बाउंड्री वॉल और मेन गेट वगैरह वो गिराए हैं। ये दो सोसाइटीज के खिलाफ कल आरडीए ने बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया है, और बार बार अपनी वेबसाइट पे बताते हैं, अपने पेज पे बताते हैं ये इलीगल सोसाइटी है, इनमें आप इन्वेस्टमेंट ना करें। ये वीडियो भी आप देख रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि आरडीए ने कल फैसल टाउन 2 के खिलाफ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया है, और अगर आप इसमें सेल परचेज कर रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाएं। अब आप फैसल टाउन 2 में सेल परचेज अपनी रोक दें, जब तक ये अप्रूव नहीं होती तब तक इसकी सेल परचेज रोके रखें। और इसी तरह मैं बार बार आपको कहता हूं कि जितनी भी नई सोसाइटीज आती हैं, जब तक उनका एनओसी अप्रूव ना हो उसमें इन्वेस्ट मत किया करें। इन लोगों को आप मजबूर करें कि ये अपना एनओसी अप्रूव्ड करवाएं, और उसके बाद ये पब्लिसिटी और मार्केटिंग वगैरह कर सके, और उसके बाद आम पब्लिक इसमें इन्वेस्टमेंट करें। मैंने जब ये लास्ट फैसल टाउन 2 के खिलाफ एक वीडियो बनाई तो मुझे काफी दोस्तों ने कहा कि भाई ये एक बड़ी अच्छी नॉमिनेटेड सोसाइटी है, इसके खिलाफ आप रूमर्स ना फैलाएं। मैं कहा भाई मैं ऑथेंटिक न्यूज है, मेरे पास ये इलीगल सोसाइटी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये जो अभी कर रहे हैं ये एक स्कैम है, और लोगों की जेबों से खेला जा रहा है, उनके जमा पूंजी से खेला जा रहा है, तो ये मैं देखते हुए चुप नहीं रह सकता है, इसके खिलाफ जरूर बोलूंगा। वो चाहे चौधरी मजीद हो, चाहे मलक रियाज हो, चाहे कोई भी हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। जो रियलिटी है वो इंशाल्लाह आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। एक्स वाई जेड कौन माफिया है कौन नहीं है, हमारा मंशूर है ऑथेंटिक न्यूज अपने नाजरीन को पहुंचाते रहे। इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इन्वेस्टर्स पॉइंट देखते रहे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।